आनंदी गोपाल, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। आनंदी गोपाल भारत के सामाजिक सुधार के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। आनंदी गोपाल सामाजिक विरोध और क्रोध की परवाह किए बगैर भविष्य की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम। 19वीं सदी के रूढ़िवादी समाज में छिड़े एक अनूठे संघर्ष की कहानी आनंदी गोपाल। रूढ़ियों नियमों का घेरा, रूढ़ियों नियमों का घेरा, अंधियारे का रास्ता सारा, अंधियारे का रास्ता सारा। ऐसे में पला अंगारा आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। अविद्या अज्ञान की मारी घुट घुट कर जीती थी नारी, ऐसे जितनी जल्दी कल्याण की गाड़ी में तो अभी देर है। क्या पता कल रविवार था, कल ही आ गए होंगे। अकेले या सपरिवार? सपरिवार कैसे आएंगे? क्यों, वो अभी सयानी थोड़े ही हुई है। कल रात कल्याण से यहाँ आ पहुंचा। आप सभी उच्च कुलीन हैं और मेरे तो विचार भी पापी। मैं कहता हूं औरतों को पढ़ना चाहिए। मेरे मन में ऐसे पापी विचार आते हैं इसका मुझे खेद है। नहीं जानता कि इस पाप का प्रायश्चित क्या है। आपको अपनी पुत्री की चिंता लगी हुई है। आपकी पुत्री परम पवित्र गंगा है, मैं गंदा नाला। आपका दुख यही है कि उसका जीवन मुझसे बंध गया है। विचारोपरांत मैंने जीवन से दूर चले जाने का निर्णय किया है। हमारे धर्मानुसार पति पत्नी का बंधन अटूट होता है। आपकी पुत्री को मुक्त कर देने के लिए क्या मेरा आत्मविनाश उचित रहेगा? अफीम खाकर, कुएं में कूदकर या रेलगाड़ी के नीचे सोकर आत्महत्या कर सकता हूं, किंतु ध्यान आया कि आत्महत्या से कुछ नहीं होगा। हमारे धर्मानुसार पति की मृत्यु के पश्चात भी पति पत्नी का नाता बना रहता है। मेरे मरने पर भी आपकी पुत्री मुक्त नहीं हो सकती, क्या करें? विचार आया कि धर्म त्याग प्राण त्याग का ही दूसरा रूप है। मुझसे आपका पिंड सदा के लिए छूट जाएगा, आपकी पुत्री भी मुक्त हो जाएगी। ये पत्र आपको जब मिलेगा उस समय तक मैं गोपाल ही होऊंगा। गोपाल होने का मेरा वो अंतिम दिन होगा। इसके बाद मैं ईसाई धर्म को अपना लूंगा। तब मेरा आपकी पुत्री से तथा आपके घराने से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा।
अधिक क्या लिखे। भगवान फटने से पहले ही थाना पहुंच जाते, कानिटकर जी को भी साथ ले जाते। कैसे आना हुआ? आना ही पड़ा। क्यों, क्या हुआ, कैसे आना हुआ? मुझसे पूछो कैसे आना हुआ, अपनी करनी याद नहीं? आपका पत्र मिला, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। दुख हुआ? आश्चर्य की बात है, आपको तो खुश होना चाहिए था। दामाद धर्म परिवर्तन कर रहा हो ये सुनकर किसे खुशी होगी? किंतु उसके बगैर आपकी बेटी को मुझसे मुक्ति नहीं मिल सकती। कैसी बात करते हो, कौन मुक्ति चाहता है? हमारे धर्मानुसार परलोक में भी पति पत्नी का नाता बना रहता है। इसीलिए तो धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ। नहीं, मुझसे सुना नहीं जाता। सुनने के लिए बुलाया नहीं था मैंने। आप कल्याण लौट चलिए। ये नहीं होगा। चाहे तो आप यमो को पढ़ाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये नहीं हो सकता, वो अभी छोटी है, आप उसे अकेले में मुझसे मिलने नहीं देंगे। अन्य समय मैं उससे बात नहीं कर सकता। हम छूट दे देंगे। इस तरह की छूट नहीं चाहिए। जब वो सयानी हो जाएगी तब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। तब तक मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा। और धर्म परिवर्तन, अभी इस विचार को परे रख देता हूं। तो आप कल्याण चलिएगा? जी नहीं, अब यहीं रहूंगा, आनंदी की प्रतीक्षा करूंगा। Kingdom come, your will be done on earth as in the heavens. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Go in peace, and may Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit bless you. Yes, my child, what can I do for you? माफ कीजिए, आपकी प्रेयर के सुर सुने तो खींचा चला आया। ये सब देखा
बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर आ गया इसलिए माफ कीजिए। माफी की इस बात का, तुमने सही काम किया है। गॉड के मंदिर में कोई भी असक्त है, जिसको गॉड नहीं रोक सकता उसको इंसान कैसे रोक सकता है। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप। आओ आओ। So you are a Brahmin, yani likhne padhne wala, isn't it so? आप ठीक कहते हैं फादर। तो तुम सबको पढ़ाते हो? सबको? फादर, हिंदू धर्म में स्त्री और शूद्र का पढ़ना मना है। Oh, that's so. My child, ज्ञान तो रोशनी है। ये मोमबत्ती देखो, ये मुझे रोशनी दे रही है, तो तुमको भी दे रही है। तब तो फादर, ईसाई धर्म मेरे लिए सचमुच श्रद्धा का विषय है। God bless you, my child. Take this book. Thank you, father. And read it. अवश्य पढ़ूंगा। अब मैं चलूं, फिर मिलेंगे। You're always welcome. My child, ज्ञान तो रोशनी है, ये मोमबत्ती देखो, ये मुझे रोशनी दे रही है, तो तुमको भी दे रही है। सोचा आपसे मिलता चलो। आपके ससुर जी को पता चला मैं थाना आया था तो पूछताछ करेंगे ही। उनसे कहना 2 वर्ष रुका हूँ, अब और रुकना संभव नहीं। लड़की सयानी हो जाएगी तो कौन रोकेगा भला, लेकिन उससे पहले भेजना खतरा है। ऐसी बात थी तो ब्याह क्यों किया? अब इसके बाद मुझसे कुछ ऐसी वैसी हरकत हो गई तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। ये क्या है? इसमें ईसाई धर्म का महत्व समझाया है। हे भगवान, ये भला मेरे सामने क्यों? आपके पढ़ने के लिए। मेरे ऐसे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण का मजाक उड़ाकर आप क्यों पाप के भागे हो रहे हैं गोपालराव? शास्त्री जी, धर्म क्या होता है आप बता सकेंगे? हिंदू बने रहने के अर्थ क्या है? छुआछूत, अशिक्षा, सब तरफ अंधेरा, कहीं प्रकाश की कोई किरण नहीं। मैं तो सोच रहा हूं हिंदू बनकर घुटता रहूं या आप स्वयं तय कर लीजिए, मुझसे अभी सहा नहीं जाता। भयानक, महाभयानक, नहीं चला। अरे पानी तो पीते जाइए। नहीं नहीं, मुझे जाने दीजिए। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता शास्त्री जी। सुनता तो मुझे भी ना होता था तैसा, किंतु मैंने अपने आंखों से देखा। अंग्रेजी की पुस्तकें पटके मेरे सामने। मैं कहता हूं वहां अकेले रहे तो चपेट में आ जाएंगे गोरे साहब के। मैं कुछ समझी नहीं शास्त्री जी। अब क्या समझाऊं मां, दामाद ईसाई पुस्तकें पढ़ रहा है आजकल। मैं तो पहले ही कहती थी इसे अपनी बेटी नहीं ब्याहते। मेरी कोई सुने तब ना, ब्याह क्या मैंने अपने बेटियों के नहीं किए? डाकघर में लड़का देखने के लिए सबसे आगे कौन बड़ा था, मैं या आप? तू भी तो साथ थी बहू। आप बड़ी थी, लड़कियों का ब्याह कर चुकी थी, आपको लड़के के लक्षण नहीं दिखाई दिए? तुम चुप भी रहो। माँ जरा मेरी भी तो सोचो, संकट सर पर सवार है और तुम हो के सास बहू का झगड़ा फसाद लिए बैठी हो। शास्त्री जी अभी थक कर आए हैं, तुमने उन्हें पानी के लिए भी नहीं पूछा। यमू,
यमु बेटी। सौभाग्यवती भव, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। उधर पति ईसाई बनने की तैयारी कर रहा है। यमु बेटी, ये सब अभी उसको बताने की क्या आवश्यकता थी? घबरा गई बेचारी। जन्म जली फोक से आए तो फूटे भाग लिए। भौजी, होने को कोई टाल सका है भला? मैंने तो सुना है कि गिरिजाघर के आसपास बहुत देखे जाते हैं। किसी दिन जरा सा पानी पिला दिया गया तो ईसाई बनते देर नहीं लगेगी। और क्या पता वो ईसाई पादरी कल को स्वयं दामाद के घर आ पहुंचे। कुछ करना होगा तात्या साहब, शीघ्र ही कुछ करना होगा। हाँ लो, यहाँ चंदन घिसा जा रहा है, वहां ईसाई बनने की तैयारी हो रही है। अब तेरे आंसू बहाने से भाग की लिखी तो मिट नहीं जाएगी। अरे फादर, आप यहां? तुम मेरे पास आते हो तो यह मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने फिरोमान की पूछताछ करूं। आइए ना, बैठिए। I'm glad तुम रिजन के बारे में इतना सोचते हो। गोपाल राव, तुम जैसे आदमी से हमको बड़ी उम्मीद है। उम्मीद? किंतु फादर, अभी इस विषय में केवल सोच ही रहा हूं। एक प्रश्न बार बार उठता है मन में। पूछो। एक धर्म का त्याग कर किसी अन्य धर्म का स्वीकार करें तो क्यों? What do you mean? धर्म क्या होता है फादर? धर्म को धारण करने वाले सभी तो मानव होते हैं। प्रत्येक मानव का अपना मन मस्तिष्क होता है जो सोचता है। उसके मन को जो धर्म स्वीकार हो वही उसका धर्म। मेरा मन अपने पुराने धर्म को त्याग नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में नए धर्म का अभी विचार नहीं कर सकता। हां, आपका धर्म मुझे प्रभावित करता है, इसमें संदेह नहीं। माय चाइल्ड, ईसा तुमको रास्ता दिखाएगा। अभी तो संदेहों का अंधेरा ही अंधेरा है। तुमको रोशनी जरूर मिलेगी माय चाइल्ड, रोशनी जरूर मिलेगी। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। काशी, यमु, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुमने ईसाई पादरी देखे हैं काशी? यमु, सुना है तुम्हारे वो ईसाई बनने जा रहे हैं? मुझे बड़ा डर लग रहा है। ईसाई बनेंगे तो तुम्हें वो छोड़ देंगे, मेरी माँ कह रही थी। लीजिए, आपका है। रखिए। काम का है? मैंने पूछा तो नहीं था। खबर यह है कि चिरंजीव सौभाग्यवती यमु ऋतु प्राप्त कर चुकी है। अब वो सयानी हो चुकी। रीति के अनुसार
हमने गर्भाधान विधि का आयोजन किया है। आपका गणपतराव जोशी इनामदार। माँ कह रही थी अब गौना होना चाहिए। गौना? किसका? तुम्हारा। मेरा? बाबा कह रहे थे चाचा जी ने उन्हें पत्र भी लिखा है। कब आ रहे हैं? मैं नहीं जानती। माँ तो कह रही थी इतने दिन नहीं आए तो ईसाई तो नहीं बन गए होंगे। काशी, वैसे पत्र पहुंचने में दो दिन से ज्यादा समय तो नहीं लगता। अब 10 दिन हो चले, पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। सदैव धर्म परिवर्तन की बातें करते रहते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, हर दूसरे दिन घंटा घर जाते हैं। अगर किसी दिन नहीं गए तो गोरा पादरी सीधे घर आता है, मुझसे पूछते थे मैं ईसाई बन जाऊं तो कैसा रहेगा। उधर ऐसा कुछ कर तो नहीं बैठे होंगे? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे वचन जो दिया है। तथापि मैं कहता हूं एक बार स्वयं जाकर खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए। और पता नहीं प्रत्यक्ष निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हो। यह भी हो सकता है। शास्त्री जी, हमें कल ही जाना होगा। अवश्य। यमू, यमू, कहां जाती है दिन भर? ये तेरी खेलने की उम्र है, दिन उगाने चली आती है। अब देख क्या रही हो, न्योता देना पड़ेगा। जाओ घड़ा उठाओ, पानी लेके आओ। आपको तो आना ही होगा। लड़की सयानी हो चुकी है, आपके हाथ सौंप दूं तो मुझे मुक्ति मिल जाए। आपको मुक्ति कैसे मिल सकती है? अब तो आप और अधिक फंसेंगे। अब अधिक ना बोलिए। मैं तो ठहरा पापी, भ्रष्ट। मेरे विचार पापी, मेरा घर भी तो भ्रष्ट है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आपका धन आपको सौंपना चाहता हूं। बहुत जल्द मैं ईसाई बनने जा रहा हूं। हाँ, अब जैसे उसके भाग, अब उस विषय में विचार करने की मुझे आवश्यकता नहीं। आश्चर्य है, मेरे ईसाई होने पर आपको दुख नहीं होगा? दुख? दुख क्यों नहीं होगा, किंतु अब परिस्थिति पहले जैसी नहीं रही। अब मैं किनारे खड़ा हूं, यमू के भाग उसे चाहे जहां बहा ले जाए। और सच कहूं, आप ईसाई नहीं बनने वाले। क्यों? यमु के जन्मपत्री में वैधव्य योग नहीं है। वैधव्य योग? जी हां, पति का धर्म परिवर्तन पत्नी के लिए वैधव्य योग ही होता है। जन्मपत्री के अनुसार यमु सुहागन मरेगी। चलिए छोड़िए इन बातों को, आप कल्याण कब आ रहे हैं? सोचूंगा। नहीं, कल की छुट्टी लीजिए, सवेरे सवेरे पहुंच जाइए, धार्मिक विधि है। ठीक है, पहली गाड़ी से पहुंच जाऊंगा। सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की